तो भाई लोग, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो सेकेंड T20 मैच है ना, ये खेला जाएगा संडे 26 नवंबर। तो पहले T20 में आपको पता है इंडिया जीत चुका है, अब दूसरे T20 की बारी है। दूसरा T20 मैच कौन सी टीम करेगी अपने नाम, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। और पूरी वीडियो देखेंगे ना तो आप 2500 का गिब्बे भी अपने नाम पे कर सकते हैं, वो भी एक दो तीन नहीं पूरे 11 लोग कैसे कर सकते हैं। देखो भाई लोग, वीडियो के बीच में एक सवाल पूछा जाएगा, उस सवाल का आपको सही सही जवाब देना है। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप 2500 का गिब्बे अपने नाम पे कर सकते हैं, वो भी एक दो तीन नहीं पूरे 11 लोग। और साथ में ये जो टर्नमेंट कंडीशन है इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आप इसे नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है जीत कर भी आप हार जाओ। दूसरी चीज़ ये है कि पूरी वीडियो देखनी है, अगर आप वीडियो बीच में स्किप करके जाओगे तो आपको गिब्बे का जो प्राइज़ है वो नहीं मिलेगा। तो चलो आज के मैच पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के। तो इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच में 26 T20 मैच खेले गए, जिसमें से अपनी भारत ने 16 मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया ने जीते 10। यानी जो भारत की टीम होती है ना, ऑस्ट्रेलिया को T20 में औकात दिखा देती है, इनको जल्दी से मैचेस वैचेस जीतने नहीं देती। इन इंडिया, भारत की सरजमी पे 11 बार आमना सामना हुआ, जिसमें से 7 मैच भारत ने जीता, 4 मैच जीता ऑस्ट्रेलिया ने। यानी भारत की सरजमी पे भारत कहता है कि हमारे घर में आके हमको हराओगे बेटा, ये मुमकिन नहीं है। लास्ट 5 मुकाबले की बात करें तो इंडिया ने 4 मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया ने 1 मैच जीता। तो इंडिया ने T20 में हमेशा औकात दिखाई है ऑस्ट्रेलिया की, तुमसे ना हो पाएगा भैया हमको मैच वैच हराना। तो भैया क्या आज के मैच में फिर से इंडिया करेगा हर मैदान फतेह, या फिर जो टीम ऑस्ट्रेलिया है वो करेगी पलटवार और लेगी पिछली हारों का बदला? चलो एनालिसिस करते हैं और जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक काम कर लो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो भाई का सपोर्ट करना बनता है ना। और करना क्या भाई साहब, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और साथ में चाहो तो भाई का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर दिन क्रिकेट के कोई ना कोई जबरदस्त मैच चलते हैं, और इन जबरदस्त मैचों की जो जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन है ना, वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलती है। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, या फिर जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है ना, वहाँ पे भी मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम से मेरा टेलीग्राम है, तो उसे ज्वाइन कर डालो। तो भैया ये जो मैच है, ग्रीन फील्ड क्रिकेट स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। इस मैदान पे इससे पहले T20 के 3 मैच खेले गए, जिसमें से 1 मैच में टारगेट डिफेंड, 2 मैच में टारगेट चेज। दोस्तों 3 मैचों में हम टारगेट चेज और डिफेंड पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक 8-10 मैच ना हो तब तक अच्छे से समझ में नहीं आता। एवरेज स्कोर यहाँ पे फर्स्ट इनिंग का 162 रन, टारगेट चेज की बात करें 154 के नीचे स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट चेज हो सकता है। टारगेट डिफेंड की बात करें 170 प्लस स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टारगेट डिफेंड हो सकता है। 154 से 170 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना जो मामला है ना, वो तो बराबरी का आ गया। चेज भी हो सकता और डिफेंड भी हो सकता है। भाई लोग यहाँ के मैदान पे जो मैच होते हैं ना, वो ज़्यादातर मीडियम स्कोरिंग मैच होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ का जो सरफेस है वो हार्ड है। शुरू में 5-6 ओवर जो तेज़ गेंदबाज है ना, जो उनकी बॉल होती है काफ़ी ज़्यादा स्विंग करती है, मतलब शुरू में जो तेज़ गेंदबाज है ना उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हालांकि जब बॉल की साइनिंग खत्म हो जाती है तो बॉल बैट पर आता भी है, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है वो बैटिंग कंडीशन है। बाउंड्री लेंथ की बात करें तो 63 मीटर से 72 मीटर की, मतलब ठीक ठाक बाउंड्री, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी। तो इसलिए जो स्पिनर्स गेंदबाज है ना, उनको भी कुछ विकेट मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे जो मैच होता है वो थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग मैच होता है। अगर हम आज के मैच में पावर प्ले की स्कोर की बात करें, जो 1-6 ओवर का होता है उसमें आपको 42 से 47 के बीच में स्कोर देखने को मिल सकता है। 20 ओवर स्कोर की बात करें तो 155 से 170 के बीच में देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें, तो भारत ने 3 मैच खेला, 2 जीता, बस 1 हारा। तो भारत पहले भी तिरुवनंतपुरम में जबरदस्त परफॉर्मेंस कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पहली बार यहाँ पे T20 मैच खेलेगा, जब पहली बार खेलेगा तो क्या कर पाएगा, चलो जानते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, तो मुझे लगता है इनके खेमे में एक चेंज हो सकता है, जो कि बहुत रियर है, बहुत मुश्किल है। अगर होना होगा तो ये एक चेंज हो सकता है, तिलक वर्मा की जगह पे शिवम दुबे खेल सकते हैं, क्योंकि भारत को चाहिए 6वां गेंदबाजी का ऑप्शन। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया के खेमे में 3-4 चेंज होंगे। पहला मैथ्यू शॉर्ट की जगह पे ट्रेविस हेड आ सकते हैं। दूसरे चेंजेस की बात करें तो एरॉन हार्डी की जगह पे ग्लेन मैक्सवेल। तीसरे चेंजेस की बात करें, सीन अबॉट की जगह पे केन रिचर्डसन। चौथे चेंज की बात करें तो तनवीर सांघा की जगह पे एडम जंपा खेल सकते हैं। तो ये 3-4 चेंज हो सकते हैं किसके, ऑस्ट्रेलिया के खेमे में। अब हम करते हैं यहाँ पे कंपेरिजन। तो भैया इधर है ऋतुराज गायकवाड़, जिनकी रुत चलती है ना तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को हवाइयाँ उड़ा देते हैं। ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चला है IPL खेलने की वजह से, जो करंट परफॉर्मेंस है वो भी इनकी ठीक ठाक है। और इधर है
रहे, ट्रेविस हेड की बात करें तो आप सबको पता कमाल की फॉर्म में, एक्सपीरियंस की कोई कमी है नहीं। तो जो ट्रेविस हेड एक्सपीरियंस लेके आते हैं ना, उस बिहाब पे ऋतुराज गायकवाड़ कहीं ना कहीं ट्रेविस हेड से थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं कौन, ट्रेविस हेड अकॉर्डिंग ऋतुराज गायकवाड़। और आगे चले तो इधर है स्टीवन स्मिथ की बात करें तो ओडीआई जो खेला उसमें कुछ ना कर पाए, लेकिन टी ट्वेंटी में जो इनका बल्ला है काफी शानदार तरीके से चल रहा पिछले 1-1.5 सालों से। हालांकि जो इंडिया के सामने रिकॉर्ड है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस की बात करें तो आप सबको पता है स्टीवन स्मिथ के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। और इधर है यशस्वी जायसवाल जिनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि आईपीएल तो खेला है, लेकिन जो करंट परफॉर्मेंस है यशस्वी जायसवाल की काफी ज्यादा जबरदस्त है। आप सबको पता है यशस्वी जलेंगे तो अकेले यश की तरह सबको धुआं धुआं कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्सपीरियंस भले ही स्टीवन स्मिथ को ज्यादा है, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल करते हैं ना कहीं स्टीवन स्मिथ की बराबरी पे लाके खड़ा कर देता। तो यहाँ पे मुझे जो मामला है वो तो बराबरी पे नजर आ रहा है। और आगे चले इधर हैं ईशान किशन के पास एक्सपीरियंस काफ़ी है, काफ़ी दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो करंट परफॉर्मेंस है टी ट्वेंटी के ईशान किशन की वो भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। और इधर कौन है जोश इंग्लिश की बात करते इनकी भी जो करंट परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त है। आपने देखा पिछले मैच में कैसे ताबड़तोड़ शतक लगाया, और एक्सपीरियंस की कोई कमी इंग्लिश के पास भी नहीं है। तो अगर हम यहां पे ईशान किशन एंड जोश इंग्लिश की बात करें तो मुझे लगता है दोनों खिलाड़ी दमदार हैं, इसलिए मामला बराबरी का नजर आ रहा है। और आगे चले तो इधर है ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो आप सबको पता है ना टी ट्वेंटी के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करके देते हैं। करंट परफॉर्मेंस इनकी भी टी ट्वेंटी में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एक्सपीरियंस की तो बात करो ना भाई साहब को बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और इधर है सूर्या कुमार यादव टी ट्वेंटी का आज के टाइम का नंबर वन बल्लेबाज है, पिछले मैच में करके दिखाया भी। तो करंट परफॉर्मेंस जो सूर्या की है वो बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त है, इनको भी एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों खिलाड़ी टी ट्वेंटी के स्पेशलिस्ट हैं, चाहे सूर्या की बात कर लो या फिर मैक्सवेल की बात कर लो। तो यहाँ पर जो मामला है ना वो तो मुझे बराबरी पे नजर आ रहा है किसका, सूर्या एंड ग्लेन मैक्सवेल का। और आगे चले थे इधर आज शिवम दुबे खेल सकते हैं। शिवम दुबे की बात करते इंटरनेशनल खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आईपीएल में इन्होंने इस सीजन पिछले सीजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। जो डोमेस्टिक खेला वहां पे भी काफी रन बना के आ रहे हैं, जो तेज गेंदबाजी का थोड़ा बहुत ऑप्शन देते हैं। तो जो करंट परफॉर्मेंस है शिवम दुबे की काफी ज्यादा बढ़िया है। और इधर है मार्कस स्टोनिस की बात करें तो ये भी टी ट्वेंटी के काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज है, जो तेज गेंदबाजी का ऑप्शन भी देते हैं, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, करंट परफॉर्मेंस भी इनकी ठीक ठाक है। तो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो मार्कस स्टोनिस है ना कहीं थोड़ा बहुत शिवम दुबे से बेहतर नजर आ रहे हैं। तो यहां पे मार्कस स्टोनिस आगे, शिवम दुबे थोड़ा सा पीछे। और आगे चले तो इधर है टिम डेविड की बात करें तो एज ए फिनिशर बहुत अच्छा फिनिश भी करते हैं, पिछले मैच में भी 17-18 तेजी के साथ रन बनाए थे। मैं इनकी बात करूं तो एक्सपीरियंस भी इनको ठीक ठाक है, क्योंकि काफी दिनों से ये क्रिकेट खेल रहे हैं। जो करंट परफॉर्मेंस है टिम डेविड की वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त है। और इधर है रिंकू सिंह की बात करें तो जितना एक्सपीरियंस टिम डेविड के पास है उतना तो नहीं है, लेकिन करंट परफॉर्मेंस जो है रिंकू सिंह की वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। आज के टाइम पे ना इनसे बढ़िया कोई फिनिश कर नहीं रहा, जबकि पिछले मैच में आपने देखा होगा। तो अगर हम यहाँ पे रिंकू सिंह और टिम डेविड के करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो दोनों खिलाड़ी जबरदस्त। तो यहाँ पे भैया जो मामला है ना वो तो मुझे बराबरी का नजर आ रहा है। और आगे चले तो इधर है अक्षर पटेल की बात करें तो आप सबको पता कमाल के ऑलराउंडर है, जो बढ़िया गेंदबाजी के साथ साथ बढ़िया बल्लेबाजी भी करके देते हैं। करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ठाक है, एक्सपीरियंस की कोई कमी है ना जी, बिल्कुल भी कमी ना है। और इधर है मैथ्यू वेट जिनका टी ट्वेंटी में ना इंडिया के सामने रिकॉर्ड काफी ज्यादा जबरदस्त है, करंट परफॉर्मेंस भी मैथ्यू वेट की ठीक ठाक है, एक्सपीरियंस की कोई कमी है नहीं। तो अगर हम यहाँ पे मैथ्यू वेट एंड अक्षर पटेल की बात करें तो भैया जो मुझे मामला है वो तो बराबरी का नजर आ रहा है। और आगे चले तो इधर है केन रिचर्डसन की बात करें तो टी ट्वेंटी के स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। और करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकी करंट परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, हमेशा टी ट्वेंटी में किफायती गेंदबाजी के साथ साथ विकेट भी निकालते हैं। और इधर है रवि बिश्नोई की बात करें तो इन्होंने भी टी ट्वेंटी में जितना खेला अपना दमखम दिखाया, हमेशा बढ़िया गेंदबाजी करी है, चाहे आईपीएल हो फिर या इंटरनेशनल हो। हालांकि जितना केन रिचर्डसन को एक्सपीरियंस है उतना रवि बिश्नोई को नहीं है। तो करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो दोनों खिलाड़ी एक जैसे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है केन रिचर्डसन का कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई से बेहतर नजर आ रहा है। और आगे चले तो इधर है अर्शदीप सिंह की बात करें तो कमाल के गेंदबाज है टी ट्वेंटी के, पिछले मैच में इन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करी भी, चाहे आईपीएल हो या इंटरनेशनल हो, जब भी टी ट्वेंटी खेलते कमाल की गेंदबाजी करते हैं। करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो अर्शदीप की काफी ज्यादा शानदार है। इधर है नाथन एलिस की बात करें तो ये भी टी ट्वेंटी के स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, जो हमेशा बेहतर गेंदबाजी करते हैं।
एक्सपीरियंस की बात करें तो इनको भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, चाहे फिर आईपीएल खेलने को, अब तो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पे अर्शदीप सिंह एंड नाथन एलिस की बात करें तो मामला मुझे बराबरी का नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों दमदार गेंदबाज हैं। और आगे चले तो इधर है जैसन बैरनरोफ। जैसन बैरनरोफ की बात करें तो भाई साहब क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं, न्यू बॉल से जिस तरह से ये स्विंग करवाते हैं T20 में ना, अच्छे अच्छे गेंदबाज भी नहीं करवा पाते, और एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं, काफी दिनों से T20 मैच खेल रहे हैं। और इधर होंगे मुकेश कुमार। मुकेश कुमार की बात करें तो ज्यादा इंटरनेशनल या आईपीएल खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक में इन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। इनको भी T20 का स्पेशलिस्ट गेंदबाज कहा जाता है, स्लोवर और यॉर्कर इनकी गजब की होती है। तो अगर हम यहाँ पे करंट परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे मुकेश के या जैसन बैरनरोफ की, दोनों बढ़िया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है जैसन बैरनरोफ का वो मुकेश कुमार से ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे जैसन बैरनरोफ मुकेश कुमार से बेहतर नज़र आ रहे हैं। इधर फिर होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो मेरे हिसाब से ओडीआई में तो बढ़िया गेंदबाजी करी थी, जब वर्ल्ड कप से पहले जब भी मौके मिले प्रसिद्ध हो चुके थे, लेकिन T20 में अभी इनको प्रसिद्ध होना बाकी है, T20 में अभी तक उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए। और इधर हैं एडम जंपा, इतना सा लौंडा है आप सबको पता है, फिर फॉर्मेट कोई भी हो T20 ODI हर जगह बढ़िया गेंदबाजी करता है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, बहुत दिनों से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो एडम जंपा है ना, वो प्रसिद्ध कृष्णा से बेहतर नजर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें तो एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना भाई साहब, वो इंडिया से बेहतर नजर आ रही है। अब आगे बढ़े उससे पहले पूछ लेते हैं आज का सवाल। तो भाई लोग आज का सवाल ये है कि कौन सा प्लेयर बनेगा प्लेयर ऑफ द मैच, और साथ में ये बताना होगा कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच। तो कमेंट बॉक्स में जाओ और बताओ कौन सा खिलाड़ी बनेगा प्लेयर ऑफ द मैच और कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आप 2500 का गिब्बे अपने नाम पे कर सकते हैं। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसको मिलेगा 500 रुपये, अगले 10 लोग जो सही जवाब देंगे उनको मिलेगा 200 रुपये। सवाल क्या है, कौन सा खिलाड़ी बनेगा प्लेयर ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच और कौन सी टीम जीतेगी आज का मैच। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाओ अपना जवाब बताओ, दे दिया अपना जवाब, बहुत अच्छा। तो जो सबसे पहला वाला कमेंट है ना, वो मेरे टेलीग्राम की लिंक है, अफसा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे होगा, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर डालो। क्यों? क्योंकि अगर आप गिब्बे जीतोगे, जो आपका नाम है कहाँ पे अनाउंस होगा, मेरे टेलीग्राम पर होगा, और तो आपको जो गिब्बे की पेमेंट है ना वो भी मेरे टेलीग्राम से ही करी जाएगी। तो मेरा टेलीग्राम जरूर से जरूर आपको ज्वाइन करना है। अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट 6 मैच के भी यहाँ पे कंपेरिजन करें तो इंडिया ने अपने लास्ट के 6 मैच में सारे मैच जीते, मतलब T20 में इंडिया बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लास्ट के 6 मैच में 5 मैच जीता, बस एक मैच हारा, जो पिछला मैच हारा बस वही, यानी ऑस्ट्रेलिया भी T20 में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। इस दौरान जो ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी एवरेज है 181 रनों का, जो कि बेहतर होता है, इंडिया की बात करें 190 रनों का, जो कि खतरनाक होता है। गेंदबाजी एवरेज की बात करें 8.13 ये भी बेहतर है, मतलब इंडिया का बल्लेबाजी एवरेज खतरनाक, गेंदबाजी अवरेज जबरदस्त, तभी तो लास्ट के 6 मैच में सारे मैच इंडिया जीता, एक भी मैच ना हारा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अवरेज की बात करें तो 8.32 ये भी बेहतर होता, मतलब ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी और गेंदबाजी अवरेज जबरदस्त है, तभी ऑस्ट्रेलिया भी अपने लास्ट के 6 मैच में 5 मैच जीता, बस एक मैच हारा। अगर हम यहां पर देखें तो चाहे रिजल्ट की बात कर लो, बल्लेबाजी एवरेज की बात कर लो या गेंदबाजी एवरेज की बात कर लो, थोड़ा थोड़ा इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हर जगह आगे है। तो क्या आज भी आगे निकल पाएगा भारत किससे, ऑस्ट्रेलिया से, और दूसरा भी मैच जीतेगा, चलो जानते हैं। बस उससे पहले एक काम कर दो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, तो भाई का सपोर्ट करने के लिए बस इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सारी एनालिसिस करने के बाद अगर हम इस मैच की बात करें, जो मैच है 60-40 का, 60 टीम ऑस्ट्रेलिया 40 टीम इंडिया, तो अगर आप यहाँ पे चाहें जो मजबूत टीम है ऑस्ट्रेलिया उसके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लगता है ये जो मैच है ना टीम इंडिया अपने नाम पे कर सकता है। हम फिर से चिल्लाएंगे, हम फिर से सेलिब्रेट करेंगे इंडिया इंडिया इंडिया, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैच है टीम इंडिया अपने नाम पे कर सकता है। बाकी मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि आपको पता है ना हर दिन क्रिकेट के जबरदस्त मैचेस चलते रहते हैं, तो उन जबरदस्त मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन आपको कहाँ पे मिलेगी, मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, या फिर जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पर भी मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर डालो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।